हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए परसेंटेज में टाइप फोर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। सो हमारा जो टाइप फोर प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन इनकम, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर। सो देयर इज अ क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज रुपीज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज रुपीज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% and his expenditure increased by 7%. The percent increase in his savings was, तो यहाँ पर हमें question दिया हुआ है कि suppose कीजिए कि एक person की salary है 13,500 and उसका monthly expenditure है 9,000. अब अगले साल उसकी income 14% से increase हो जाती है and उसका expenditure 7% से increase हो जाता है, तो हमें पता करना है कि उसकी सेविंग्स में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमें पता है कि मंथली इनकम 13,500 है और एक्सपेंडिचर 9,000 है, तो ओरिजिनल सेविंग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल सेविंग क्या होगा, 13,500 माइनस 9,000, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट विल गिव यू द सेविंग, सो दैट इज 4,500। न्यू इनकम हमें क्या मिली है, सिंस उसका नेक्स्ट ईयर 14% से इंक्रीमेंट हुआ इन इनकम इन सैलरी, सो 114% हो जाएगा। अब 114% ऑफ रुपीज 13,500, ओके वो कैलकुलेट करना है हमें। सो 114% ऑफ रुपीज 13,500 कितना होता है, 15,390, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द न्यू इनकम। नाउ एक्सपेंडिचर भी 7% से इंक्रीज हुआ है, तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, 107% ऑफ रुपीज 9,000, दैट इज 9,630। अब न्यू सेविंग क्या होगी, सिंस न्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, न्यू इनकम हुआ है, तो न्यू सेविंग विल बी न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज 15,390 माइनस 9,630, दैट विल गिव यू 5,760। तो लेट अस अज्यूम कि NS इज इक्वल टू न्यू सेविंग एंड OS इज इक्वल टू ओरिजिनल सेविंग। तो सिंस हमें परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स पता करना है, तो इसके लिए हमको न्यू सेविंग और ओरिजिनल सेविंग दोनों रिक्वायर्ड था। सो न्यू सेविंग माइनस ओरिजिनल सेविंग अपॉन ओरिजिनल सेविंग इन 200 विल गिव यू द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अगर आपको पता करना है कि आपके सेविंग्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू सेविंग माइनस ओरिजिनल सेविंग अपॉन ओरिजिनल सेविंग इन 200। सो या सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज सारे के सारे एंड विल फाइनली गेट 28% एंड दैट इज व्हाट, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। सो या दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनकम, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज टॉपिक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।